चारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय विचार वर्ग के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अनिल जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वीरों की धरती परिवार के अंतर्गत भीलवाड़ा के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, तो स्वदेशी जागरण मंच का विचार वर्ग आयोजित है, उसमें 3 दिनों तक सत्र चलेंगे। स्वदेशी आंदोलन के अलग अलग पहलुओं, उसकी जरूरत, उसके सामने की चुनौतियां, उसमें से समाधान का तरीका, समाधान के तरीके में स्वदेशी जागरण मंच के अपनी क्या गतिविधियां हों, औरों के साथ मिलकर सज्जन शक्ति कैसे तैयार हो और वो आज की चुनौतियों से निपटे, तो उसके अलग अलग आयामों पर चर्चा होने वाली। और सबके बीच में एक तो आधारभूत विचार है कि देश की सबसे बड़ी जरूरत है कि देश के सभी लोग और विशेष तौर पर देश के नीति नियामक भारत को भारत के नजरिए से देखना सीखें, न कि यूरोप के नजरिए से। ये मैं जो कहता हूं तो उसका ही एक पहलू बनेगा कि कृष्ण के समय में 2 महिलाओं का उल्लेख आता है, एक है यशोदा और दूसरी है पुतना। यशोदा तो सहज सामान्य है, उससे देवकी के पुत्र कृष्ण का भरण पोषण किया है, पालन पोषण तो भैया यशोदा ने किया, और बहुत ही स्नेह और दूध पिलाने की बात कहते हुए भी सजी सवली पूतना आई थी। पूतना घर में कृष्ण भगवान तक घुस पाई उसके पहले उसने वहां के ब्रज के सारे ही गोपिकाओं का मन तो जीता, नजदीक तक तो आई, लेकिन उद्देश्य क्या था? तो गोपिकाओं तो को तो लगा कि ऐसी अच्छी सजी सवरी सुंदरी आई है दूर से बस कृष्ण भगवान के प्रेम के कारण, लेकिन असल नियत थी जहर पिलाना। वो बोल रही थी कि हम दूध पिला रहे हैं और पिलाना चाहती थी जहर। तो कई बार हम अगर चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो हमारे ही पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के जो विषय है, वो हमें कमजोरी से दिखे लगते हैं। इसलिए भारत को भारत के नजरिए से देखना, इसके कारण ही भारत की ताकत का हमें अंदाज मिलेगा। जैसे आप गौर करें कि भारत पर पोखरण के विस्फोट के बाद दुनिया के बड़े अमीर देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा और उन लोगों को चुपचाप अपने बिना हेठ ही कराए इज्जत बचाते हुए वो सारे प्रतिबंध 6 महीने में वापस लेना पड़ा। तो क्यों नहीं असर हुआ? इधर आ जा। तो असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता का अनुमान नहीं था, ज्ञान नहीं था।
जैसे मान लो कोई जंगल है, बहुत से पेड़ है, आंधी चलेगी तो बहुत से पेड़ गिर जाएंगे, और मान लो कोई घास का मैदान है, गिने चुने पेड़ है, तो कितनी भी जोर आंधी चले, घास के मैदान का बाल बांका नहीं होता, पेड़ भले ही गिर जाए कुछ। भारत की अर्थव्यवस्था परिवार आधारित, बचत पर आश्रित, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था है, यह केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। इसलिए जिनका विशेष एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रोल होगा कहीं, उन पर तो आर्थिक प्रतिबंधों का असर पड़ता। भारत में 85% पूंजी का सर्कुलेशन जिले के अंदर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका हिसाब का ही नहीं पड़ता। अब ये बात भारत की ताकत है न कि कमजोरी। कई बार हमने अन्यों को देखकर हमारे देश के नीति नियामक आत्मविश्वास रहित होने के कारण कभी भारत को रूस बनाने की ओर मुड़ गए, फिर कभी चीन का भी झोंका आया उनके मन में, बाद में वे ही लोग भारत को अमेरिका बनाने की ओर में लगते, और छोड़िए अमेरिका, ब्राजील बनाने की होड़ में अब लगे। अब बिना समझे भारत को भारत के नजरिए से देखने का मैं उदाहरण बताता हूं कि दुनिया में 206 देश कहे जाएंगे, तो यूरोप वाले कहेंगे कि 206 देश में से आप 127वें देश हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कहिए, शिक्षा के क्षेत्र में कहिए, या आर्थिक दृष्टि से कहिए, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से कहिए, आप 127वें, उनका नजरिया होगा। लेकिन आप भारत के नजरिए से देखिए कि दुनिया की आबादी 700 करोड़ है पर भारत 125 करोड़ है, तो भारत दुनिया का छठा हिस्सा है। एक आंकड़े से देखें तो 206 में एक है, लेकिन वही भारत हमारी नजर से देखें तो दुनिया का छठा हिस्सा है, और छठा हिस्सा होने के कारण ये ना आइसोलेट किया जा सकता है ना आइसोलेट हो सकता है, कोई ना हमको अलग थलग कर सकता है ना हम अपने को अलग थलग कर सकते हैं। अब इसी प्रकार भारत को भारत के नजरिए से देखने की बात मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया की नजर से देख पाना कठिन है, उनको वो दृष्टि नहीं है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, पिछला इलाहाबाद में कुंभ मेला था तो बहुत तेज दिन सरगर्मी हुई और एक विदेशी महिला को थाने में पकड़ कर लाया गया, बात क्या थी तो वो महिला जिद कर रही थी कि जैसे नागा साधुओं का शाही स्नान हो रहा था तो नागा साधु तो बिना कपड़े में पड़े पहने ही जाते हैं, नहाते हैं, और ये जो महिला थी विदेश की, ये महिला स्वातंत्र की हिमायती थी, समान अधिकार की वकालत करती थी, तो वो कह रही थी कि अगर यहां पुरुष बिना कपड़ा पहने नहा सकते हैं तो मुझे भी तो बिना कपड़ा पहने नहाने का अधिकार है। अब पुलिस वाले परेशान थे, उनको ये अधिकार की बात तो समझ में नहीं आती थी, बेशर्मी समझ में आती थी, इसलिए उन्होंने उस महिला को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। वो चिल्ला रही है कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, इक्वल राइट्स। अब वो इक्वल राइट की बात तो वो क्या जाने कि भारत में नागा साधुओं की क्या परंपरा है, कब से परंपरा है। यहां जैन दिगंबर जैन साधु मुनि बिना कपड़े के जाते हैं, लेकिन अगर यूरोप का आदमी देखेगा वो पूछेगा अच्छा यहां भी न्यूड क्लब है क्या। ये वहां से देखेंगे तो न्यूड क्लब से लिखा दिखेगा,
और यहां से देखेंगे तो विशिष्ट साधना दिखेगी। उसका मूल कारण है कि न्यूड क्लब और दिगंबर जैन साधु में फर्क इतना ही है, वहां की प्रेरणा है भोग, यहां की प्रेरणा है त्याग। अब ये प्रेरणा की समझ ऐसी देखने से कैसे आ जाएगी? इसलिए भारत को भारत के नजरिए से देखना जरूरी है, मैं कह रहा हूं। इससे बहुत अर्थ है। इसलिए जब स्वदेशी की हम बात कहते हैं तो ये कोई दशानुसार विचार नहीं है, ये केवल यथार्थ को समझने की दृष्टि है। जैसे अरे भाई, दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? हिमालय। सबसे ऊंची चोटी? एवरेस्ट। तो हिमालय अगर ऊंचा है तो ग्लेशियर भी सबसे मोटे परत बर्फ की वही होगी, और जब वही होगी तो ग्लेशियर से नदियां भी निकलती हैं। तो सबसे अधिक ऊंचाई से निकलने वाली नदियां दुनिया भर का देखेंगे तो केवल भारत की रहेगी, और जब हिमाचल हिमालय से रहेगी तो अगला गौर करने का विषय होगा तो फिर गंगा जी और ऊंचाई से निकलती है। एक ही ग्लेशियर की तरफ से गंगा जी भी निकलती है, यमुना जी भी निकलती है। ऐसी नदी दुनिया में तो हो नहीं सकती, तो उसकी ऊंचाई ही नहीं है, और जितनी ऊंचाई रहेगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और जितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो अगर ढलान में उतरेगा तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उससे वेलोसिटी बनेगी, जितनी वेलोसिटी बनेगी उससे उस पानी के प्रवाह की ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बनेगी, जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बनेगी उतना ही उस जल में बैक्टीरिया फॉसे के जन्म लेने की संभावना रहेगी, और जितना बैक्टीरिया फॉसे जन्मेगा उसकी क्वालिटी ही दो है, एक जल को प्रदूषित करने वाले जीवाणुओं से लड़कर उनको खत्म करना, और दूसरा गुण है अपनी संख्या बहुत शीघ्र बहुगुणित करना, सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो बैक्टीरिया फॉसे हैं, ये यहां के भौगोलिक और अन्य कारणों से जिस प्रकार के वो धरती का घर्षण के साथ प्रवाह चलता है उसके कारण जो वहां मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसका खुली हवा के साथ संयोग होने के कारण ये बैक्टीरिया फॉसे बनतेगा। अब इसके कारण गंगा जल घर में 70-80 साल तक भी रखने के बाद सड़ता नहीं है, ये सबका अनुभव है, और ये अनुभव और किसी नदी के जल के साथ हो नहीं सकता। ये तो इसका भौतिक पक्ष है जो हमें इस प्रकार समझ में आ सकता है। इसी का भौतिक पक्ष है ना कि दोनों के बहाव के टेरेन रास्ता अलग अलग होने के कारण जब प्रयाग में गंगा जी और यमुना जी मिलती हैं तो गंगा श्वेत वर्णी दिखाई पड़ती है, यमुना नील वर्णी दिखाई पड़ती है, और ये तो दिखाई पड़ती है जितना आंखों से उतना उसका अंतर दिखता है, लेकिन और गहराई से आप जाइए तो समझ में आता है कि गंगा सागर में बैठे हैं कपिल मुनि, गाजीपुर में बैठे हैं विश्वामित्र, प्रयाग में बैठे हैं भरद्वाज। ज्ञान की साधना प्रमुखतः गंगा जी के किनारे हुई है, लेकिन इसका क्या कारण है कि यमुना जी के किनारे ज्ञान की साधना नहीं हुई? यमुना जी के किनारे महाभारत जरूर हुआ, जबकि हस्तिनापुर तो था गंगा के किनारे बिजनौर की तरफ, लेकिन भगवान कृष्ण योजना करते हैं महाभारत की तो कुरुक्षेत्र यमुना जी के इलाके में। क्यों? क्योंकि यमुना जी यम की बहन है और यम मृत्यु के देवता है, इसलिए समाज के शुद्धिकरण के लिए और कोई उपाय न जानकर उनको समाप्त करना, क्लीनसिंग ऑपरेशन, इसके लिए महाभारत होता है यमुना की बहन के किनारे।
की नदी है, नर्मदा जी वैराग्य की नदी है। अब ये दिखता तो सभी जल समूह है, तो पश्चिम के लोग इसको देखते हैं जैसे तो वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी होने के कारण मनुष्य के पेय जल और सिंचाई जल के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अब उनको तो अपने यहां की बात मालूम है, उनको ये कहां मालूम है कि गर्म इलाके में जब आएंगे और हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय कच्चा पहाड़ रहेगा इसीलिए इतना मिट्टी हर साल लाता है और उपजाऊ जमीन पूरी गैंगेटिक बेल्ट का बना जाता है, हजारों लाखों वर्षों में जो 400 करोड़ लोगों को भोजन कराने की क्षमता रखता है, ये वो भूभाग बन जाता है गैंगेटिक बेल्ट। क्योंकि भारत की आबादी तो 125 करोड़ है, 400 करोड़ को खिलाने लायक स्थान ये गैंगेटिक बेल्ट का है। भारत को हम भारत के नजरिए से देखेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसे ही नहीं कह दिया गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कलयुग में 3 देवता हैं जो जागृत हैं, एक गंगा जी का जल, 2 ब्रज की रज, ब्रज की धूल, 3 जगन्नाथ का भात। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने पास वही जगन्नाथ का भात, सूखे चावल अपने पास रखते थे, बीच बीच में फांकते थे। शिष्यों ने जब पूछा था तो उन्होंने ये बात बताया। एक संत हुए देवरहा बाबा। देवरहा बाबा ने कहा, अरे भाई बच्चा, गायत्री भारत की वाक है, गौ भारत की मन स्वरूपिणी है, गंगा जी जल भारत का प्राण है। इसलिए गौ खुश रहे तो देश खुश रहे भारत, गौ उदास रहे तो भारत उदास रहे, और मनुष्य मवेशी अनुपात अगर घटे तो किसानों की आत्महत्या बढ़े। ये सब लॉजिकली फिटेड होने वाली बातें हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, भारत को भारत के नजरिए से देखते हैं तो जो लोगों को वीकनेस वहां से देखने से लगेगा वो यहां कंसिस्टेंट है। जैसे सूर्य भगवान की कृपा, ये भारत के साथ विशेष है। भारत के एरिया सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी, लेकिन विदेश के नजरियों से जब हम देखते हैं ना तो सोलर एनर्जी बन जाता है अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि भारत के संदर्भ में से देखेंगे तो सोलर एनर्जी तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सूरज। ये क्यों पड़ा अनकन्वेंशनल? क्योंकि यार इंग्लैंड के लोगों ने ये नाम रखा अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इंग्लैंड में सूरज नहीं होता, 10.5 महीने बादल, बरसात और बर्फ रहता है, उनको सूर्य की गर्मी और उसके प्रभाव और परिणाम से वो ना वाकिफ है, इसलिए उनको सूरज यहाँ बहुत गर्म लगता है, परेशान होते हैं वो। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, अपने नजर से जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि उनके यहां 10.5 महीना बादल, बरसात, बर्फ है, उनके यहां गेहूं उगाने से 7 महीना लगता है पकने में, इसलिए उनके यहां गोबर गोमूत्र जमीन की खुराक नहीं बन सकता, खाद नहीं बन सकता, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना भी कठिन है वहां पर, और अच्छी मात्रा में गोबर का डिकम्पोजिशन होकर मैन्योर बनने के लिए 29 डिग्री सेल्सियस उपयोगी होता है। सर्वाधिक गोबर गैस भी 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनती है, उनको तो मिलना ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है खेती की। इसलिए वहां गौ के बारे में दृष्टि दूध और मांस की होगी, इसलिए उनके यहां मुख्य भोजन होगा बीफ, सप्लीमेंट्री होगा उनके यहां ब्रेड,
और सप्लीमेंट्री स्वाद के लिए होगा सूप और सलाद। उनको तो स्पाइसेस तो मालूम ही नहीं है ना, उनकी तरफ से देखेगा कि यहां के लोग बहुत तीखा खाते हैं। अरे वो खाए कैसे, उनके यहां मिर्च होती है ना, गोल मिर्च होती है, तीखा मिले कहां से, उनका तुलसी नहीं होगी तो काढ़ा कैसे बनाएंगे। तो देसी दवा जो हम खाएंगे वो उनके तो मिलने से रही, हमारे यहाँ के किचन का जो मसाला पेटी है वो तरह तरह की दवाइयों का भंडार रहेगा, वहां तो होगा ही नहीं। वो तो वहां के नजरिए से यहाँ को देखें तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे है कि एक महिला किसी पुरुष के साथ 25 साल 30 साल तक विवाह बंधन में बंधी है, ये उनको आश्चर्य लगेगा। इसलिए पूछेंगे जो यहाँ की महिला और परिवार की बातचीत हुई तो वहां की महिला ने यहाँ की महिला से ऐसे ही पूछा, तो कब विवाह हुआ पहले, कहा हमारा 26-27 साल हुआ, अच्छा तो ये कितनावे पति है। अब ये कितनावे पति है ये शब्दावली यहाँ की महिला तो समझने से नहीं, उल्टा लगेगा हमारी बेटी क्यों कर रही है, ये दृष्टि का अभाव। और ये सब जब होता है तो इसमें से हम आगे बढ़ेंगे तो एक बात समझ में आएगी मित्रों, कि तो मैंने ऐसी छोटी छोटी बातें आपको कहा है, इसमें से एक एक बात का विशदीकरण संभव है। जैसे मैं एक ही बात का विशदीकरण करता हूं, सूर्य भगवान की असीम कृपा है भारत पर, यहां के लोगों को किफायत तो तभी सीखने को मिल जाता है जब हमें ये मालूम पड़े कि यहां तो केवल 100 दिन वर्षा होती है, उसमें भी 100 घंटे वर्षा होती है, उस 100 घंटे बरसे पानी से हम 365 दिन काम चलाते हैं, तो उसकी हिफाजत उसकी पवित्रता ये हमको सहज ही ध्यान में आता है। और यहां के भूगोल के कारण 2% है लैंड सरफेस दुनिया का भारत क्षेत्रफल, मगर 16% वनस्पति की किस्में दुनिया की भारत में मिल जाती हैं। उसी प्रकार इंग्लैंड में अगर 6,000 पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, भारत में 85,000 किस्म के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं। ये सब सूर्य भगवान की कृपा से है। और एक कृपा बताता हूं जो विलक्षणता है भारत की, कि भारत पर आज पराशक्ति का विशेष अनुग्रह है। आज पराशक्ति का यंत्र जो होता है वो त्रिकोण होता है, भारत में भी एक विशिष्ट पराशक्ति का त्रिकोण सदैव सक्रिय है, अखंड रूप से सक्रिय है। वो क्या, तो उससे एक है घर की माता, दूसरा गौ माता, तीसरा धरती माता। इसलिए जैसे गंगा जल नहीं है, गंगा ब्रह्म द्रव है, गंगा त्रिपथगा है, गंगा भुक्ति मुक्ति दायिनी है। इसलिए अकबर बीरबल के समय में एक बार ऐसे यमुना किनारे प्रयाग में अकबर ने पूछा सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी, अकबर को लगता था कि गंगा जी के बारे में बताएगा। बीरबल एक क्षण सोच कर कहा क्या पूछ रहे हैं आप, अरे सबसे अच्छी नदी कौन सी, कहा यमुना जी। तो अकबर का आशीर्वाद हमको बना रहा है, कहा तुम दिखी गंगा जी की प्रशंसा करते हो और सब कुछ कहते हो और तुमने यमुना जी का नाम लिया, तो हाँ, कहा क्यों, क्योंकि आपने तो नदी का नाम पूछा ना, गंगा जी नदी कहाँ है, गंगा जी तो ब्रह्म द्रव है, नदियों के बीच हमें यमुना जी का नाम लिया, नहीं तो भगवान कृष्ण ने तो नदियों में गंगा का नाम लिया है गीता में। इसी प्रकार ये जो अनुग्रह है मित्रों कि घर की माँ गौ माँ की सेवा करती है, धरती माँ की सेवा करती है, परिणामतः गौ माता घर की माता को दूध देती है, धरती माता को उसकी खुराक देती है गोबर गोमूत्र, और वो धरती की खुराक बनता है सूर्य के आशीर्वाद से डिकम्पोज होकर।
अब घर की माता, गो माता का ये रोल अगर होता है तो धरती माता घर की माँ को अनाज देती है और गो माता को चारा देती है। यही चक्र रिपीट होता रहता है हमेशा, अखंड चक्र ये चलता है, यही समृद्धि का स्रोत बनता है। इसी के कारण फिर खेती होती है, इसी के कारण कृष्ण बलराम की जोड़ी होती है, कृषि गोपालन कृष्ण बलराम। उसी आधार पर भारत में सूर्य भगवान की कृपा के कारण सब कुछ पैदा होने के कारण और हजारों साल से विदेश व्यापार में लगे रहने के कारण लोगों के सामने समस्या थी कि हम जो पैदा कर रहे हैं उसको दुनिया में बेचने चले, बेचने तो गए लेकिन सवाल ये था बदले में लाए क्या, क्योंकि सब तो यही होता है, वहां से उठाकर क्यों लाए। तब वहां से सोना चांदी लाना शुरू हुआ, इतना सोना चांदी आया कि बाद में महमूद गजनवी ने 1700 ऊंट भरकर ले लिया था। तब से लूट जारी, अंग्रेज लोगों ने प्रति सप्ताह एक पूरा जहाज चांदी सब लाद कर ले गए और चांदी की खान भारत में नहीं थी, मगर आज भी भारत के गांव में आप चांदी का चमचा, चांदी की आचमनी, चांदी की कटोरी, चांदी की थाली सब आप पा सकते हैं। आज भी इतना हुआ तो समृद्धि हुई, लेकिन समृद्धि के साथ साथ त्याग, वैराग्य, मितव्ययिता, यूज एंड थ्रो नहीं बचाना, हर चीज में भगवान है इसका ध्यान रखना, इन कारणों से सरप्लस बनता गया। और वही सरप्लस बनते जाने के कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाया। तो समृद्धि की साधना संस्कृति के अधिष्ठान पर होने के कारण भारत की संपदा शुभ बनी। संस्कृति प्लेट है और परोसे जाने वाला व्यंजन है समृद्धि। प्लेट अगर न रही और परोसा जाए तो व्यंजन जमीन पर धूल में गिरेगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए भारत ने समृद्धि और संस्कृति के संतुलन को समझा। इसलिए आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश में महेश्वर नाथ की जगह है, अभी भी है, रानी अहिल्याबाई का स्थान है वो। तो अहिल्याबाई का व्यक्तिगत निवास तो मिट्टी का और सामान्य सा, लेकिन अहिल्याबाई के दरबार का परम वैभव, सार्वजनिक वैभव और व्यक्तिगत मित्रता साधी। तमिलनाडु में जब यहां बाबर अकबर वगैरह का चल रहा था ना, उस समय तमिलनाडु में चोल साम्राज्य था, पांड्य था, पल्लव था, वे सब लोग दक्षिण पूर्व एशिया में पूरा सर्वे उनका था और वहां की व्यापार की भाषा तमिल थी। लेकिन वहां के जो नाटक कोटे छिट्टियार लोग थे, वो लोग के आप घर जाइएगा महासरीखा, उनका जीवन सादा लुंगी, सादा उत्तरीय, सादा भोजन, लेकिन वो नाटक कोटे छिट्टियार के यहाँ के लोग आज भी काशी में विश्वनाथ मंदिर में जो रोज सुबह जल जाता है दशाश्वमेध घाट से उठकर मंदिर में, वो जल के घड़े लेकर जाने का सारी व्यवस्था नाट्यकोटी चक्रम में से चलता है आज। तो धन किस बात के लिए, धन कितना, तो पैसा उसका सदुपयोग। पैसा स्वयं में काला या सफेद में डिफाइन करना अपूर्ण है, पैसे का उपयोग होता है काला या सफेद। पैसा ऐसे ही रहे तो कागज है, पैसा जब घूमे तो पैसा है, और पैसा जब काम आवे तो संपदा है। भारत ने समझा है, भारत ने जिया है, इसलिए भारत में फिर पैसे की महत्व को समझने के बाद भी पैसे की सीमा समझी है। और फिर परिवार, और परिवार में चिंता, ये वहां के लोगों को भारत समझ में नहीं आता कि
हमारे यहाँ उनके यहाँ तो एक स्त्री है, विवाह हुआ तो वो किसी की मिसेज बन गई, जब तक बनी। अब यहाँ कोई विवाह हुआ घर में आई तो वो केवल किसी की मिसेज नहीं है, कोई जेठानी भी है, तो कोई देवरानी भी है, तो कोई चचिया सास है, तो काका ससुर भी है। सबके साथ संबंधों को ठीक निभाने की क्षमता रखने वाली नारी वही अच्छी है, प्रशंसा पाती है, ब्यूटी कंटेस्ट में जीतने वाली नहीं। इसलिए भारत में लड़कियों की शादी स्वयं में समस्या नहीं बनी, और विवाह ये केवल सुखोपभोग का लाइसेंस नहीं, विवाह एक जिम्मेदारी। तो भारतीय समाज भी जो बना है वो शर्तों पर नहीं, वो रिश्तों पर बुना हुआ समाज है, और रिश्तों पर बुना हुआ समाज होने के कारण जैसे शरीर के किसी भी अंग में रोग लगा तो पूरा शरीर चिंतित होता है, वैसे ही रिश्तों में कहीं कोई भी अभाव है, कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, कोई कठिनाई में है, तो सबके मन में बात जगती है, इसलिए उनके यहां का भी ठीक हो जाए, ये सदिच्छा। इसलिए इस वाइब्रेशन से जो समाज होता है वो प्राणवान जीवन होता है। वहां पर शर्तों का समाज होते रहने के कारण धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती चली गई, जो टाइगर वुड वगैरह का केस आपने सुना ही था, जो तलाक की बात हुई उसने जिद किया कि नहीं हमको तलाक नहीं चाहिए, तो भारत में नासमझ लोगों ने समझा देखो कितना बड़ा पत्नी भक्त है वो, बात वो नहीं थी। विवाह के समय में ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तय हो गया था कि तलाक होगा, और तलाक जब होगा इतनी संपत्ति उसके खाते में जाएगी। उस संपत्ति को उसके खाते में जाने से बचाने के लिए विवाह बचाने में लग गया टाइगर वुड। अंत में दुविधा में दोगे भैया माया बनेगा, ये अलग किस्सा है उसका। लेकिन मित्रों ये जो भारत की विशेषता है इसको समझकर यहां की स्थितियों को टैकल करना, यहां की समस्याओं का समाधान करना। अब जैसे आप गौर करिए बेरोजगारी, अब बेरोजगारी मानो भारत में एक कमाए पांच खाए, विदेशों में 18 साल के बाद का हर आदमी कमाए तो खाए, नहीं कमाए तो सरकार से पैसे दे दो, वहां ये सब नहीं है। एक कमाए पांच खाए नहीं है वहां पर। इसलिए भारत में अगर आप बेरोजगारी का आंकड़ा चाहें तो सही आंकड़ा तो वो होगा कि कितने परिवार ऐसे हैं जहां रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। एक परिवार में चार नौजवान बेकार हैं, ये स्वयं में बेरोजगारी का आंकड़ा ये भ्रमात्मक हो जाएगा। ये वहां की स्थितियां अलग है, यहां की स्थितियां अलग है। वहां जीडीपी का कैलकुलेशन अलग होगा। भारत में बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसका जीडीपी में शुमार ही नहीं हो सकता। हमारे घर में बीमार है, हम उनकी सेवा करते हैं, दो दिन ऑफिस से भी छुट्टी लिए डॉक्टर के यहां दिखाना था, जीडीपी में इसका शुमार तो होगा ही नहीं। जीडीपी में ऐसी हजारों चीजें हैं इसका शुमार हो नहीं सकता। इसलिए जीडीपी और ग्रोथ रेट भारत के संदर्भ में विकास का सही पैमाना हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे लोग चिंतित होते हैं और जीडीपी घट रहा है। भारत में और वहां में फर्क है कि यहां पर 3% बिजनेस है जो कंपनी ओन्ड है, अमेरिका में 97% बिजनेसेस है जो कंपनी ओन्ड है, 3% बिजनेसेस है केवल जो फैमिली ओन्ड है। भारत में 7% लोग केवल हैं जो किसी न किसी तरह से स्टॉक मार्केट से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका में 57% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से ताल्लुक रखते हैं। तो वहां स्टॉक में होने वाली अलचनों का समाज पर प्रभाव, और यहां स्टॉक से उत्पन्न होने वाली अलचनों का परिणाम और प्रकार ये भिन्न होगा। वहां 120 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं, आबादी महज 30 करोड़ है अमेरिका में।
अमेरिका के लोग आगे के 4 साल की जो कमाई पे कर सकते थे उसको पहले से खा पचा चुके हैं, और दुनिया का सबसे कर्जदार देश आज अमेरिका है। ये वहां की स्थिति है, क्योंकि बचत ये जीवन का मूल्य रहा ही नहीं, रिश्तों में विश्वास रहा ही नहीं, जुबान विश्वास रहा ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा वहां बैंकरप्ट होने से खस्ती नहीं। भारत में दिवालिया हो गया तो उसके घर विवाह संबंध कैसे होगा, यह सवाल खड़ा हो जाता है। इन बातों की समझ उनको नहीं हो तो चलेगा, मगर हमारे नीति नियामकों को तो ये समझ होना चाहिए। कमी यहां है और एक अजब ढंग का डिस्कनेक्ट है। समाज अलग ढंग से चल रहा है और सरकार अलग ढंग से चल रही है, यह समस्या का एक बुनियादी पहलू है। भारतीय समाज धर्म सत्ता, समाज सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता चारों से चलता है। वो समाज राज्य नियंत्रित और राज्य संचालित है, इसलिए वहां पर अगर कहीं न्यूयॉर्क में बिजली फेल हो जाए तो उस समय के बलात्कार के आंकड़े पूरे वर्ष के सम्मिलित आंकड़ों को पार कर जाते हैं। भारत में बिजली तो है ही नहीं, तो भी यहां वो स्थितियां नहीं रहती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा पुलिस पर निर्भर नहीं है। 70 लाख जो साधु संन्यासी महात्मा देश भर घूमते अलग जगाते रहते हैं, बड़ों का लिहाज करो, आंख की शर्म करो, वो गीत गाते हैं देख तमाशा लकड़ी का, वो गीत गाते हैं एक डाल पर एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरे और चेला की करनी चेला रे साधु भाई था, उड़ जा हंस अकेला। तो भारत में गांव की हर बेटी पूरी गांव की बेटी बन जाती है, गांव में विवाहित होकर आने वाली हर लड़की पूरे गांव की बहू बन जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सूत्र भारत का है, नहीं तो देश में तो केवल 80,000 थाने चौकियां हैं, बस गांव 6 लाख है। भारतीय समाज अपने ढंग से चलता है। इसे भीलवाड़ा आप लीजिए, भीलवाड़ा में अगर इतना टेक्सटाइल्स का काम हुआ, टेक्सटाइल्स के काम में किसी मुख्यमंत्री का तो कोई विशेष रोल रहा नहीं। अगर आगरा में लेदर गुड्स का इतना बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर बना, उसमें किसी कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती का कोई रोल तो रहा नहीं। भारत अपने ढंग से चलता है कि कुंभ मेला की सूचना गजट में नहीं होती, पार्लियामेंट में डिस्कशन कुंभ मेला कब करेंगे नहीं होता है, लेकिन करोड़ों लोग उमड़ते हैं प्रयाग में कुंभ मेला में। भारतीय समाज अलग ढंग से चलता है, ये ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन का हिस्सा है। ये समझकर हम अपनी समस्याओं का समाधान सोचें, यूरोप के समान नहीं। यूरोप में आपको जानकारी हो महिलाओं के बारे में, कल्पना ही ये थी कि भैया औरत वो तो पुरुष की पसली से बनाई हुई चीज है, वस्तु है। और आदम को जब दुनिया में भेज रहे थे सारी सृष्टि बनाने के बाद भगवान जी, तो उसकी कंपेनियन के नाते भेज दिया था इसको, इसलिए नारी में आत्मा नहीं होती, नारी को साल्वेशन तो मिल ही नहीं सकता। ये वहां की थ्योरी थी, और नारी ही सबसे पहले शैतान के भकावे का शिकार हुई थी, उसने प्रतिबंधित फल खाया था, उसी ने पुरुष को भ्रमित किया था, इसलिए नारी डाइन का रूप है, शैतान की संगिनी है वो तो। इसलिए 1470 से 1780 तक में 60 लाख के लगभग महिलाओं को जिंदा जलाया गया वहां डाइन कह करके। उसके प्रतिक्रिया में धीरे धीरे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स यूरोप में पनपे और बढ़े हैं।
भारत में ये स्थितियां नहीं रही, यहां राधा के बिना कृष्ण आधा, यहां शक्ति के बिना शिव तो केवल शव है, और कोई भी पूजा अर्चना बिना अर्धांगिनी को बगल में बिठाए नहीं हो सकती, और घर की जो भी बातें रहेंगी उसकी फाइनल अथॉरिटी महिला रहेगी। बच्चे कैसे हैं इससे माँ का चरित्र मालूम पड़ेगा, बच्चों को पालते कैसे हैं ये तय होगा, इसलिए ये फलाने की माँ है तो फलाने की मिसेस से कम संबोधन होगा, फलाने की माँ है तो फलाना ठीक रहे ये माँ की जिम्मेदारी बन जाती है सहज। तो भारतीय समाज रचना धर्म सत्ता से, समाज सत्ता से। तो फिर बताया जाता है मेरे भाई पैसा जगत ये तो नदी है, नाव है तुम्हारा शरीर, तुम हो खेवैया, इतना ध्यान रखो कि नाव में पानी नहीं घुसना चाहिए, नाव पानी में रहना चाहिए। तो नाव पानी में रखते हुए खेकर उस पार उतरो तब तुम्हारा जीवन सफल है, और तुम्हारे नाव में पानी ही घुस गया तो तू भी डूब जाएगा नदी में। इसलिए पैसा अगर नाव में ज्यादा पानी है तो पैसा ज्यादा है तो उलीचो, उसको गिराओ बाहर करो, नहीं तो नाव के साथ तू डूब जाएगा। इससे पैसे की कीमत और पैसे की सीमा दोनों का निर्धारण भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ। और इतनी सब बातें अगर हम सोचें तो फिर से मैं कहूंगा कि बुनियादी बात वही बनती है कि भारत अपने ढंग से चलेगा, भारत अपने ढंग से सोचेगा, भारत तब दूसरे को रास्ता बताएगा। जब जब भारत समृद्धिशाली और शक्तिशाली बना तब तक दुनिया को बेहतर करने में भारत ने योगदान किया। इससे भारत ने जब योगदान किया और चीन आदि सब बढ़े तो चीन में कहावत बन पड़ी कि इस जन्म में अच्छा काम करोगे तो अगला जन्म भारत में होगा। ये भारत की दिव्यता बढ़ती चली गई, और तब यह हुआ कि मुक्ति के लिए तो भूमि भारत है, अतोन्या भोग भूमयः, मुक्ति की भूमि भारत है, इसे देवी देवताओं का स्थान भारत है, इसे हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, वो अस्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा है वो। इसलिए आप आल्प्स जाकर देखिएगा और हिमालय जाकर देखिएगा तो भव्यता वहां मिलेगी लेकिन दिव्यता यहां मिलेगी आपको। ये जो विशेषताएं हैं इसको अगर हम ध्यान रखते हैं तब यही है स्वत्व बोध, अपना बोध। स्वत्व बोध से स्वाभिमान, स्वाभिमान से आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से अपने ढंग से चलना, और चलने में वसुधैव कुटुंबकम के कारण सब अच्छे बने इसमें भूमिका निभाना। ये आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चलने से होगा, ये स्वदेशी जागरण मंच का संदेश है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम अलग होने से डरते भी नहीं हैं। दुनिया को हमारी जरूरत ज्यादा है, हमें दुनिया की जरूरत कम है। इस विश्वास के साथ देश के नीति नियामक अगर डायलॉग रखते हैं तो वही दुनिया के लिए शुभ होगा, हमारे लिए भी शुभ होगा। आज विचार वर्ग के उद्घाटन के अवसर पर अपनी बात यहीं पूरी करता हूं, और आगे इस चर्चा को विभिन्न सत्रों में सारे पहलुओं को लोग पढ़ाएंगे ये विश्वास व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।